फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है यहाँ पे हीरो की तरफ से दो मोस्ट सेलिंग बाइक्स। आप बोल सकते हैं इस साइड में हमारे पास प्रेजेंट है फ्रेंड्स हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एडिशन जो कि येलो स्टिकर्स के साथ आ रहा है। उस साइड में प्रेजेंट है फ्रेंड्स हीरो पैशन प्रो डिस्क वेरिएंट येलो कलर में। तो इन दोनों का आज हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इस वीडियो को, तो स्पेशली आज हम उनके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो हीरो का लोगो है वो यहाँ पर 3D में मिल जाता है। स्प्लेंडर प्लस का जो है वो आपको यहाँ पर बैज 3D में मिलता है। i3S का लोगो मिल जाता है, पावर स्टार्ट की बैजिंग मिल जाती है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग मिल जाती है। इंजन आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है। काफ़ी सारे सेंसर्स इस बार कंपनी ने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट में तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 80x100 का 18 इंच का टायर मिल जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये आ रहा है। IBS का बैजिंग मिल जाता है। रिफ्लेक्टर्स कंपनी इस बार आपको ऑफर कर रही है। यहाँ पर सीट की बात करते हैं तो सीट का जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है। स्प्लेंडर प्लस का यहाँ पे बैज है और फ्रेंड्स हील एंड टो शिफ्टर के साथ ये आता है। रेयर के टायर की अगर बात करते हैं तो 80x100 का टायर यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 18 इंच का। और यहाँ स्टिकर्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आ रहा है। इंडिकेटर्स जो है वो बल्ब में मिलता है, टेल लाइट भी बल्ब में आपको कंपनी ऑफर करती है। और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेज कैरियर मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं मीटर का तो मीटर पूरा ही एनालॉग है, डिजिटल का कुछ भी आपको यहाँ पे यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। पूरा एनालॉग का कंपनी ने यूज़ किया है यहाँ पे। और की कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, इसका प्लेन सा बेसिक की जो रहता है वही कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो i3S का यहाँ पे स्विच मिल जाता है एक, जो कि आपको पैशन प्रो में मीटर में मिलता है बट इसमें कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का ये स्विच है, ये हॉर्न का स्विच है, यहाँ इंडिकेटर्स का स्विच मिलता है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स लुक्स के मामले में कुछ ऐसा लगता है ये ऊपर से देखने में। और टैंक जो है इसका काफ़ी, यहाँ छोटा सा टैंक आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। सीट का जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा है और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं पैशन प्रो के बारे में तो ये फ्रेंड्स अभी हमारे पास यहाँ पर डिस्क वेरियंट में प्रेजेंट है। अगर प्राइजिंग की बात करते हैं तो ये लगभग में 82,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिलेगा ऑन रोड, और वो लगभग में 86,000 रुपीज़ के आसपास में आएगा इसका डिस्क वेरिएंट। अगर इसका ड्रम वेरिएंट का बात करते हैं तो वो 84,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i3S की आपको बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर, और डिस्क ब्रेक जो है वो कुछ इस टाइप का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्टर्स आपको इस टाइप का मिलता है जो कि साइड लुक काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। सेम टायर्स आपको इसमें मिल जाते हैं JK की तरफ से, 80x100 का 18 इंच का टायर कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करती है। इंजन जो है वो भी फ्रेंड्स आपको सेम पहले वाला ही मिल रहा है, इसमें कंपनी ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। पैशन प्रो की जो बैजिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस बार। ये जो कलर ऑप्शन है काफ़ी आई कैची लगता है पर्सनली। आप देख पा रहे होंगे पैशन प्रो जो है ये काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, फॉन्ट का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, पैशन का लोगो भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग है, i3S का बैज है और हीरो का लोगो है। अगर एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लॉसी में ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ किया है कंपनी ने, और किक आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। रियर की टायर की बात करते हैं तो सेम फ्रंट वाला टायर है, 80x100 का टायर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके मीटर के बारे में तो मीटर से पहले फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, यहाँ पर हीरो का लोगो है, एक येलो कलर का स्ट्राइप जा रहा है और इसका टेल लाइट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इंडिकेटर्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं और सस्पेंशन कंपनी रेड कलर में आपको प्रोवाइड करती है। अगर मीटर की बात करते हैं तो मीटर आप देख सकते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इस साइड में डिजिटल पार्ट है, इस साइड में एनालॉग पार्ट है। पूरा स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे i3S का स्विच मिल जाता है जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच है, यहाँ हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है। पास यहाँ पर मिलता है आपको फ्रेंड्स, और ये मिरर्स का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हॉर्न मिल जाता है और हीरो का लोगो बीच में है, और टैंक आपको स्प्लेंडर से यहाँ पे थोड़ा बल्कि मिलता है देखने को। और इसका जो साइड का जो ये फाइबर पार्ट से ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हीरो का जो है वो बैजिंग मिल रहा है, तो साइड लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इस बाइक का। आप हमें बताएं फ्रेंड्स कि आपको जो लुक्स है वो ज़्यादा अच्छा किसका लगा है, इसका या फिर उसका। तो अगर मेरा पर्सनल चॉइस अगर आप पूछते हैं तो मुझे पैशन प्रो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, स्पोर्टी ज़्यादा लगता है। और बजट अगर आपका सेम है तो फ्रेंड्स आप दोनों में से किसी भी बाइक को आप चेक कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों ही आपको लगभग सेम प्राइसिंग में आ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस अब रहा नहीं है यहाँ पे दोनों बाइक्स में, 1000-2000 रुपये का ही डिफरेंस है। तो आप इजीली दोनों में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं, अगर आप इसे बनाने का बजट ले रहे हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं पावर वगैरह की, तो वो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा डिफरेंस भी फील नहीं होगा, बट इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है स्प्लेंडर का, काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में सेल हो रहा है और कंपनी ने टाइम टू टाइम काफ़ी अपडेट्स भी किया है इस बाइक में। तो अब ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा भी लगने लगा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा डिलीवर करता है फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद, और दोनों ही बाइक्स फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। यहाँ पे इसका जो फ्रंट का पोर्शन है ये भी काफ़ी मस्कुलर लगता है, पूरा हैलोजन में लाइट्स है, बल्ब में इंडिकेटर्स है, इसमें भी आपको हैलोजन में ही लाइट्स मिलता है, बल्ब में इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसका जो मिरर है वो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, बेसिक सा मिरर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपकी अपनी फ्रेंड्स पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करेंगे। एक बार मैं आपको इधर राइट हैंड साइड से लुक्स दिखा देता हूँ बाइक का, आप देख लीजिए। तो कुछ इस टाइप का आपको लुक मिलता है दोनों में ही फ्रेंड्स, कवर्ड में चेन आता है, साड़ी गार्ड आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स गियर्स की बात करते हैं तो 4-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप इसमें है, और इसमें जो है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किक मिल जा रहा है, और क्रोम प्लेटेड आपको कंपनी यहाँ पे एग्जॉस्ट ऑफर करती है। और लगेज कैरियर जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है सामान वगैरह बांधने में, जो कि आपको पैशन प्रो में नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है हीरो के तरफ से, और दोनों ही काफ़ी यूनिट्स में सेल भी होता है। तो आप फ्रेंड्स डिसाइड कर ले, अगर आपको एक थोड़ी अच्छी लुक में बाइक लेनी थी तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जो इंजन है वो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, और इसका जो इंजन है वो कुछ इस टाइप का मिलता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो एक ये छोटा सा बस डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो लुक्स वाइज दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी है। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर आपका बजट लगभग में 80,000 रुपीज़ के आसपास का है तो आप कौन सी बाइक को परचेस करना प्रीफर करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स आपको जो है वो सिर्फ मतलब इसमें आप चाहें तो 100 मिलियन एडिशन भी ले सकते हैं, इसमें भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक बार फ्रेंड्स आपको 100 मिलियन एडिशन दिखा देता हूँ दोनों ही बाइक्स का, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले पैशन प्रो का आपको 100 मिलियन एडिशन कुछ इस टाइप का मिलता है यहाँ पे, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टिकरिंग वगैरह वर्क का यूज़ किया गया है, और ग्रैब रेल्स वगैरह भी आपको बॉडी कलर ये देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्प्लेंडर प्लस का 100 मिलियन एडिशन का, तो वो भी आप देख लीजिए, वो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसका जो 100 मिलियन एडिशन है कुछ इस टाइप का मिलता है यहाँ पे, हीरो स्प्लेंडर प्लस, और यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस का लोगो है, और इसका भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और 100 मिलियन होने की खुशी में कंपनी ने इस कलर ऑप्शन को लॉन्च किया था, जो कि आपको स्प्लेंडर, पैशन प्रो और ग्लैमर वगैरह में मिला था, स्कूटर वगैरह में भी कंपनी ने लॉन्च किया था। तो आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, 100 मिलियन की आपको बैज मिल जाएगी यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो जो है वो